जैसे भगवान राम को अभी लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान को लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी। उन्होंने एक बार बोले जय श्री राम बोल करके समुद्र को उन्होंने लंका। इसलिए एक समय भगवान राम जब पुल बंद रही थी, सब बंदर लोग पर पत्थर ला रहे थे, हनुमान जी उसको ऊपर में श्री राम का नाम को ली करके और जो पानी में छोड़ रहे थे पत्थर तैर रहा था। भगवान राम देख देख रहे, बड़े आश्चर्य हो रहे थे, बोले अभी पत्थर तो तैर रहा है लेकिन जुड़ेगा कैसे। बोले एक पत्थर को ऊपर राम और दूसरे पत्थर को ऊपर माँ, जय राम और माँ लिख रहे थे, वो जुड़ रहा था, सिमटे का काम कर रहा था। अभी तो भगवान राम देख देख रहे बड़े आश्चर्य हुए, बोले भैया मेरे नाम तो बड़ा कमाल है। भगवान राम ने देखा अभी मैं भी एक पत्थर को उठा करके फेंक करके देखता हूँ क्या होता है। बोले अगर इनको सामने फेंकूंगा अगर ये पत्थर डूब जाएगी तो मेरे नाक कान कट जाएगी, क्योंकि मेरे नाम को ले करके छोड़ ले मेरे नाम के बल पर पत्थर तैर रहा है। मैं स्वयं राम जब फेंकूंगा डूब जाएगी फिर तो मेरे बदनामी होगी। इतने में भगवान राम ने एक झाड़ी को अंदर में गई, छुप करके एक पत्थर को उठाया और जब पानी में फेंके ना वो डूब गया। भगवान बोले ये क्या हो रहा है, और एक पत्थर उठाए फेंके वो भी डूब गया। बोले ये क्या हो रहा है, आश्चर्य की बात है, मेरे नाम का नाम पर नाम का बल पर पत्थर तैर रहा है, मैं स्वयं राम होकर के पत्थर छोड़ता हूँ ये डूबता जा रहा है। हनुमान जी ने देखा भैया प्रभु कहाँ गए, ये ठाकुर जी कहाँ गए, क्योंकि हनुमान तो राम के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, शक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, शक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। भगवान हनुमान जी ने कहा भैया प्रभु कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा ठाकुर जी झाड़ी को अंदर में बैठ करके, जैसे छोटे 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 बच्चे लोग पत्थर उठा उठा कर फेंकते हैं, भगवान राम भी पत्थर उठा उठा कर फेंक रहे। इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, राम तो सोच रहे थे वहां पर कोई है नहीं। इतने में जब हनुमान जी, भैया लोग अभी पानी मत दो, पानी वाले ओ पानी वाले भैया जब कीर्तन हो पानी बना, अब चुपचाप बैठ जा बाद में पानी बना। इसलिए इतने में हनुमान जी प्रकट हुए, भगवान राम बोले तू कहां से आ गया। बोले प्रभु आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता, प्रभु ये बताओ आप बच्चे जैसे पत्थर उठा उठा कर पानी में क्यों फेंक रहे थे। बोले हनुमान मेरे मन में एक बहुत बड़ा शंका आ गया। बोले आपको अंदर में, बोले हाँ, बोले किस चीज की, बोले तुम लोग मेरे नाम को पत्थर के ऊपर लिख करके जब
वो तैरता है, मैं स्वयं राम जो पत्थर उठाकर फेंक रहा हूँ डूब रहा है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी बोले प्रभु जी तो सीधी सी बात, बोले सीधी सी बात क्या, बोले ये पत्थर क्यों तैर रहा है, कारण क्या, चूंकि उसको ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ है, जो आपका नाम को सहारा लेगा वो तो भवसागर से पार ही हो जाएगा, हैं? भवसागर से पार हो जाएगा, जिन जिनियों ने तेरे नाम को लिया सबके सब भवसागर से पार हो गए। लेकिन ये डूब रहा है क्यों, बोले आप कौन हो, बोले विश्व ब्रह्मांड का मालिक आप हो, अगर किसी वस्तु को उठा करके फेंकोगे, फेंकना मतलब क्या है, उसको छोड़ देना, उसको त्याग दे देना, जगत में से कौन सा व्यक्ति हो जो स्वयं विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो करके किसको उठा करके फेंक दे, वो कभी तैर सकता है, कहते वो कभी तैर सकता है, वो तो डूब जाएगा, इसलिए तो डूब रहा है। बोलो इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो कलयुग में भगवान के नाम में कितने शक्ति, कितने शक्ति ठाकुर जी अपना नाम में दे करके गए ठाकुर जी, इसलिए भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, बोले इतना नहीं भगवान कहते हैं नियमित स्मरण निकाल, मैंने कोई नियम नहीं रखा, केवल पवित्र अवस्था में ही भगवान का नाम को ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, मैं कभी नियम नहीं रखा, दिन में ले सकते हो रात में नहीं ले सकते, ये भी मैंने कोई नियम नहीं रखा, इसलिए एक समय कोई एक तेली था, दिन भर तेल है तेल निकालता था कोल 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 से, इतने में एक दिन नारद जी मिले, बोले भैया क्या कर रहे हो, दिन भर तेल तेल निकालने में लगे हुए, थोड़ी भगवान की भजन भजन करता कि नहीं, बोले समय नहीं, समय हो तभी तो मैं भजन करूं, बोले दिन भर समय एकदम नहीं मिलता, नहीं, बोले भैया तभी तो समय मिलता होगा, बोले हाँ समय तो मिलता है, बोले कब, बोले जब मैं पायखाना करने बैठता हूँ ना उसी समय में केवल टाइम नहीं और दिन भर मेरे पास में कोई समय नहीं। हनुमान जी बोले भैया तभी भी प्रभु का नाम ले सकते हो, बोले अपवित्र अवस्था में, बोले ठाकुर थोड़ी बोले जे केवल पवित्र अवस्था में ले सकते हो और अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, ठाकुर ये बात थोड़ी बोले, भागवत में अजामिल की कथा थी, ये अजामिल ने जिस समय उन्होंने भगवान का नाम लिया, आपको पता है किस समय, बिस्तरा में लेटा हुआ था, बिस्तरा में टाटी पेशाब कर रहा था, जमदूत को देख करके उसकी पेशाब और पायखाना निकल रहा था, वो अपवित्र अवस्था में था, और उसने जो भगवान को बुलाया भगवान को नहीं बुलाया, उसने अपना बेटे का नाम नारायण रखा था, उसने अपना बेटे को उन्होंने नारायण नाम से बोला, बेटे को बोला और कैसे बोला, बोले चित्कार करते हुए, जैसे हम लोग ठाकुर का नाम लेते हैं स्थिर बुद्धि से लेते हैं, एक जगह पर बैठ करके, उन्होंने ऐसे नहीं, क्योंकि तीन तीन जमदूत उसको गले में काल खास को लगा कर खींच करके ले जा रहे थे, उस समय चित्कार करते हुए बोल रहा था, हैं? चित्कार करते हुए बोल रहा था भगवान को नहीं अपना बेटे को, अपवित्र अवस्था में और बुद्धि भ्रमित बुद्धि विकृत अवस्था में था, लेकिन उसी समय में भगवान का नाम लिया बेटे के लिए तो झट चारी बिंदु तो आ गया, बोले माँ भयो डर का कोई बात नहीं हम है रक्षा करेंगे, और उन्होंने एक तरफ में विष्णुदूत एक तरफ में जमदूत, भयानक शास्त्रार्थ हुई, बड़े शास्त्रार्थ उनके अंदर में हुई, देखो ध्यान देकर सुनो अच्छे अच्छे बड़े सीखने का बात है, अगर भगवान के नाम किसी तरह से भी लो, भगवान के नाम में कितने शक्ति है, जैसे जहर को अगर हम अनजान में लेंगे बताओ उसका क्रिया करेगा कि नहीं, आग को अगर बच्चों को पता नहीं आग में हाथ देने पर क्या होता है, हाथ लगेगा जलेगा कि नहीं, उसको जलेगा, इसलिए भगवान की जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम, देखो जमदूत विष्णुदूत में क्या तर्क वितर्क हो रहे हैं, एक तरफ तक जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे क्योंकि ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अपना पत्नी को छोड़ा, एक शूद्रानी वेश्या को साथ में रहा, उसको हाथों में अमृत कुमेद भोजन की और 10-10 बच्चे जन्म दिए, उसको लालन पालन करने के लिए चोरी गुंडागर्दी हर तरह का पाप कर्म किया, जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णु दूत उसको देख करके ठाल लगा कर जोर जोर से हंसा, बोले हे भगवान अगर बच्चा अगर माँ की गोद में लेटा हुआ सर रख करके, अगर माँ अगर गला को काट दे जगत में इसमें हो सकता है,
भगवान का नाम लेना मतलब होता है भगवान की गोद में सर रख करके सोना, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। जो प्रभु का नाम ले रहे हैं समझो ठाकुर के सर पर सर रख करके हम सो रहे हैं। अगर मैया अगर गला काट दिए तो इसलिए बिंदु तो कहते हैं मूर्खों तुम्हें पता है ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति। जिस समय उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय में ही उसका सारा पाप खत्म हो गया था। जैसे किसी बच्चे को हम बारंबार बुलाते हैं नाम को लेकर के, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण इधर आ जा, नारायण पानी ले आ। जैसे हम माला जप करते हैं ना, ये हो गया उसकी माला जप है। और जो अंतिम समय में उन्होंने जो ठाकुर का जो नाम लिया ये तो भगवान की बड़ी कृपा। देखो फिर जम जम क्या कहते हैं, बोले भगवान कब बुलाया उसने, भगवान को कब बुलाया वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। वो भगवान को नहीं बुलाया था उसने, अपने बेटे को बुलाया था। नारायण बोल के भगवान का नाम कब लिया, वो तो अपना बेटे का नाम नारायण रखा था, बेटे को बुलाया। तब विष्णु दूत कहते हैं बोले देखो उसने जब उन्होंने जो बेटा को बुलाया ना, लेकिन बेटा का किसका नाम है, वो भगवान का नाम को उसने धरवाया था बच्चे को, लेकिन नाम किसके हैं, बोले नाम नारायण के। इसलिए आप लोग देखना हमारे जितने पूर्वज लोग थे ना, अपना जितने बड़े बड़ों को पूछो नाम क्या था, कृष्ण गोविंद राम सब लक्ष्मण ऐसे ऐसे नाम, माताओं का नाम पूछो गीता सीता सावित्री राधे सब ऐसे नाम होगा। लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजी सभ्यता आकर के ना हमारी संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। अभी बच्चों का नाम कोई ठाकुर पर नाम नहीं धराते, बोले पुराना नाम था। अब जो टुन्नू बुल्लू टिंकी फिंकी विदेश में जो कुत्तों का नाम धरवाते ना, सो बच्चों को सब कुत्तों का नाम धरवाते। लेकिन कभी आप वृंदावन जाओ, वृंदावन गए हो वहाँ इस्कॉन मंदिर में जाना, देखना अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछना, बच्चों को उन्होंने क्या नाम धरवाया है, कृष्ण गोविंद राधा ललिता विशाखा चंपक लता, वे हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है हम अंग्रेजी संस्कृति को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। कभी जा करके देखना अंग्रेजी लंदन अमेरिका फ्रांस से वो साड़ी कैसे पहने हुए, देखो सर पर कपड़ा है, हाथ में शंखा है, मांग में सिंदूर लगाते हैं। अभी वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। बोले क्यों, बोले अगर शांति सुख हो तो ये भारतीय संस्कृति में। बता भगवान राम कहाँ जन्म लिए, भगवान कृष्ण कहाँ जन्म लिए, बड़े से बड़े साधु संत कहाँ आए, भारत में आए। इसलिए हमारा देश का नाम है भारत। भारत मतलब क्या, भा मतलब होता है प्रकाश, और रत मतलब होता है हर समय जो प्रकाश में रत रहते हैं। बताओ गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है, अयोध्या मथुरा काशी कांची कहाँ है, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री कहाँ है, यमु कहाँ है, जामवान कहाँ है, भगवान कृष्ण कहाँ है, हमारे देश में आए। इसलिए वो विदेश लोगों को आकर के हमारे देश में भगवान लीला स्थलियों को दर्शन करते हैं। इसलिए हम लोग साधारण भाग्य से हम लोग भारत में जन्म नहीं लिए। आप भागवत पढ़ करके देखो, देवता लोग भी तरसते हैं भागवत भारत में और हमारी सनातन धर्म में जन्म लेने के लिए। सत्य तृतीया द्वापर जो लोग भी तरसते हैं हमारी भारत में जन्म ग्रहण के लिए, वो भी तरसते हैं। इसलिए हम परम सौभाग्यवान जो भारत में और संस्कृति सनातन संस्कृति में हम लोगों ने जन्म लिया, समझो ये साधारण भाग्य से जन्म नहीं लिया आप लोगों ने, बड़े पुण्य से आप लोगों ने जन्म ग्रहण किए। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहते पवित्र अपवित्रता को उन्होंने नहीं देखे, किसी अवस्था में भी भगवान का नाम को हम ग्रहण कर सकते हैं, इतने भगवान के नाम में। लेकिन महाप्रभु एक बात को बड़े दुखी होकर कहते हैं, क्या दुखी होकर कहते हैं, बोले मैंने इतने सरल कर दिया, इतने सुंदर सब कुछ बोल दिया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है तब भी ये कलयुग का जीव हमारा माइक निकालो तो लिखी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार आप लोग मेरे साथ में सब हाथ उठा करके बोलो,
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कहते मैंने सरल उपाय रख दिया, तभी कलयुग का जीव भगवान के नाम नहीं करते। जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव का उद्धार कैसे होगा? इसलिए महाप्रभु कहते क्या करो, ये जीवन पा करके भगवान की हरे कृष्ण, ये जीवन पा करके भगवान की हमें भजन करनी चाहिए और भगवान के नाम करनी चाहिए। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे मीठी मीठी ताली बजाते हुए, जब तक लाइट नहीं आ जाती है थोड़ा कीर्तन कर लो। एक लाइट पीछे घुमा दो, बोले हरे कृष्णा सब मीठी मीठी ताली बजा के, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। सब पीछे पीछे बोले हरे बोल हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sab taali bajate hain Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. सारे दुख कष्ट को जो हर लेते हो हरी हरी बोल मतलब होता है हरी का नाम लेने से हमारे जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर लेते हैं इसलिए हरी इसलिए हम कहते हैं ना जो हरे कृष्णा सब बोलो मेरे साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसका दो तरह का अर्थ है इसका साधारण जो अर्थ होता है हरी हरे हरे शब्द मतलब हरी से हरे मतलब हरी का नाम लेने से क्या होगा जीवन का जितने दुख कष्ट जो हर जाएगा कृष्णा कृष्णा नाम लेने से क्या होगा हमारी मन भटकता है मन में शांति सुख नहीं मन चंचल है क्री मतलब होता है आकर्षण करना स्ना मतलब होता है आनंद देना जब कृष्ण नाम करेंगे क्या होगा हमारा जो भटकता हुआ मन है जो अशांत जो मन है उसमें शांति मिलेगी मन इधर उधर नहीं भटकेगा कहते तो उसमें राम राम मतलब क्या है बोले जीवन को जो आराम दे जीवन में जो सुख शांति दे इसलिए राम अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ना हरे मतलब दुख जाएगी कृष्ण मतलब मन अशांत मन को शांति मिलेगा राम मतलब जीवन में आराम हम चाहते तो यही तो चाहते ना जीवन में क्या चाहते जीवन में शांति सुख मिले लेकिन ये महामंत्र जब करने से सारे सुख मिलेगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम ग्रहण करने से सर्वसिद्धि मतलब ये भगवान का नाम चिंतामणि मतलब जो मांगो हरि नाम वही देगा वही देगा हरि नाम इसलिए भगवान का जो नाम है अंतिम समय में भगवत प्रेम भगवत दर्शन भगवत साक्षात्कार इसी हरि नाम से होगा हरे मतलब होता है राधा रानी का नाम हरे हरे राधा रानी का नाम ये जो हरे शब्द है ये राधा जी का नाम है जो कृष्ण का मन का प्राण को चित्त को जो हरण करते हैं कृष्ण मतलब कृष्ण इसलिए हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण है ये भगवान की ये नाम है इसलिए एक समय साइंटिस्टों ने इस विषय पर रिसर्च किया है क्यों कहते हैं भगवान के नाम से शांति क्यों मिलती है देखो उन लोगों ने क्या रिसर्च किया अच्छे तरह से सुनो बोले एक समय उन्होंने तीन ट्रे में जो साबुत जो मूंग डाल तीन ट्रे में अलग अलग कुछ कुछ मूंग डाल दे दिया और थोड़ी थोड़ी पानी दे करके वो तीन ट्रे को उन्होंने अलग अलग जगह पर रख दिया एक साधारण जगह पर रखा और एक जगह पर जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था वहां पर रखा और एक ट्रे को रखा जहाँ पर ये रक म्यूजिक चल रहे थे बोले देखते हैं क्या होता है तीन दिन बाद में देखा जहाँ पर एक साधारण जगह पर जो मूंग दाल रखा था वो तो अंकुर आया लेकिन जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था दो तीन गुण ज्यादा अंकुर आए और जहाँ पर ये रक म्यूजिक चल रही थी एकदम एक भी अंकुर नहीं आया बोले भैया अगर ये मूंग दाल को ऊपर में इतने प्रभाव पड़ सकता है हम लोग तो चेतनता है तब हमारे ऊपर में कितने चेतनता के ऊपर में कितने असर नहीं पड़ेगा इसलिए जो भगवान की जो नाम है वो साधारण वस्तु नहीं इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है इसलिए हम लोगों को कलयुग में विश्वास पूर्वक भगवान की नाम को जप करनी चाहिए देखना इसी विश्व ब्रह्मांड में
जो जितने भगवान के नाम जप करते हैं ना वो उतना ही बड़ा है। हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? सब जानते हो। आप बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? बताओ हनुमान जी दिन भर करते क्या? रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, यही तो करते हैं हनुमान जी। राम का नाम ही लेते हैं हनुमान जी, इसलिए आप रामायण पढ़ कर देखो राम हनुमान जी खुद कहते हैं जो सवेरे उठ करके मेरे मुंह देख लेगा ना मेरे नाम लेगा तीन बार उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान जी कहते देखो राम की मैं सेवकाई करके राम की भक्ति करते हुए भजन करता हूँ सारा दुनिया में हनुमान की जय जयकार होता है, जय जयकार हो रहा है। इसलिए शंकर जी का नाम आप जानते हो, जगत में इतने शंकर जी की क्यों पूजा हो रही है? अब राम चरित्र मानस उठा करके देखो वह कहते हैं बोले महामंत्र जय जप त महेशा काशी मुख ती है तो उपदेशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी ने पूजा है, पंचमुख में भगवान की नाम को जप करते हैं। माता देवी का नाम आप जानते हो? यहाँ तो देवी देवी होती है, वैष्णवी देवी, उनको आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला देखोगे। इसलिए एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है बोले प्रभु हम किसकी नाम ग्रहण करनी चाहिए? देखो शंकर खुद कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बराम। ये खुद शंकर जी कह रहे हैं बोले हे पार्वती जो विष्णु सहस्र नाम को 1000 विष्णु की नाम लेने से जो फल है पार्वती एक बार श्री राम नाम से वही फल है। इसलिए जब से उन्होंने ये बात सुनी ना हम माता पार्वती के हाथ में देखना भगवान का नाम है। गोस्वामी जी कहते हैं सहसना मा सुनी प्रिय बानी चापी जय संग प्रिय भवानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं माता पार्वती शंकर जी का इतना प्रिय क्यों है, कारण क्या है? बोले कारण है उन्होंने भगवान के नाम जप करती हैं, भगवान के नाम इसलिए प्रिय है। आप लोग सब गणेश जी का नाम जानते हो? जानते कि नहीं गणेश जी का नाम? अग्र पूजा गणेश जी की होती है, यदि अग्र पूजा गणेश जी की क्यों होती है, कारण क्या है? आप लोग टीवी में देखे होंगे एक समय 33 करोड़ देवता एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के बोले ये 33 करोड़ देवता में अग्र पूजा किसको होनी चाहिए, सबसे पहला पूजा। बोले ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी अग्र पूजा होगी। अभी देखो भारत में बोले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने पार्टी कितने लड़ाई कितने झगड़ा, लेकिन संपूर्ण देवताओं में 33 करोड़ देवता में पहला पूजा किसकी होगा, ये कोई साधारण बात है? बहुत बड़ी बात है। कहते जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसकी पहला पूजा होगी। ब्रह्मा तो हंस बाहर से उड़ चले, कार्तिक मयूर बाहर से उड़ चले, अभी सारे सारे तो अपना बाहन पर चले गए, अभी गणेश जी का बाहन कौन है? चूहा है, मुसी। अभी मुसी को ऊपर बैठ कर कहां जाए, वो चुपचाप वहां बैठे। इतने में नारद जी आए बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात है ये विश्व ब्रह्मांड करके पहला आएगा उसकी अग्र पूजा होगी। अभी मैं क्या करूं? नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, हरि से हरि बड़ा हरि का नाम लिखो, राम का नाम लिखो और उसका 3 बार परिक्रमा कर दो, क्योंकि भगवान के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। तुमने एक बार परिक्रमा नहीं, तुमने तीन बार अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का परिक्रमा तुम्हारी हो गई। अभी साल में 2 साल में सबके सब पसीना पसीना बहरा है, सबके सब देवता है, फिर बेटी हुई बोले किसकी अग्र पूजा होगा, कौन पहले ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए? किसने कहा? मैंने। किसने कहा? मैंने। किसने कहा? गणेश जी बोले सब चुप रहो, तुम लोग एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने सालों में परिक्रमा आए करके आए, मैं तो एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तीन बार मैंने परिक्रमा की। सब लोग तो सुनकर बड़े जोर से ठा लगा कर हंसे,
है, उसके बाहर जहाँ के तहा बैठा हुआ, तीन तीन बार अनंत गरुड़ ब्रह्मांड को, हम तो एक ब्रह्मांड को परिक्रमा लगाने के लिए हमसे भी कहा गया। इतने में नारद जी नाम की व्याख्या किया है, इन्होंने ठाकुर जी के नाम को उन्होंने तीन तीन बार परिक्रमा लगाई। भगवान के अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है और हरि से बड़ा हरि का नाम जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस में, कहते हैं क्या कहते हैं, महिमा जा बोले माँ, देखो ये रामचरित मानस में बोले महिमा जा सुजान गन राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हिंदी समझ रहे कि नहीं, बोले महिमा जासु जान गण राहु, गणना मतलब गणेश जी जिसने प्रभु का नाम की महिमा की वजह से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से उनको पहला पूजा हो रहा है। जब बताओ मीरा का नाम क्यों ले रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद का नाम क्यों ले रहे, कारण है इन लोगों ने भगवान के नाम को लिया है। अब लोग तो भारतवासी हो, देखना भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो, जिसको पूजा करना जो कुछ कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात छोटा है। बोले बेटा जीवन में जितने कृष्ण राम का नाम लिया ना वही जा रहा है, इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ किए हो सब झूठ मूठ का जीवन बिताया है, तेरे साथ में एक सुई धागा भी यहाँ साथ में नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने, बोलो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दी मरे सतगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है क्या तुमको जीवन में मिला तो मिला ही क्या है, बोले जितने प्रभु का नाम ही जप किया केवल वही गया और जगह में सब ही गवाए। इसलिए कबीर दास का नाम सुने होंगे, कबीर के दोहाए देखो क्या कहते हैं, बोले मरने में सब जग डरे कहते मेरा मन आनंद, कहते दुनिया में सबके सब मरने के लिए डरते हैं, अभी कोरोना आया था ना सबको सब घर में बंद कर दिया, क्यों कोई मरना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कबीर कहते जगत में मरने के लिए सब डरते हैं लेकिन मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया सब दुनिया मरने के लिए डर, तुम्हें खुश क्यों हो रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, बोले इसलिए खुश हो रहा हूँ कबीर जी कहते हैं कब मरी हो कब बैठी हो परमानंद, वो कबीर कहते इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ कहते जीवन में मैंने भगवान का माला मैंने जप किया। कबीर कहते जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया, मेरे को पता है जाने के बाद मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगी क्योंकि अंतिम समय में यही जिंदगी साथ में जाएगा, ये जगत जगत का कोई धन नहीं जाएगा, इसलिए कबीर कहते मैं जाने के बाद मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगी, मेरे को पता है मैंने जीवन भर भजन किया। बोले दूसरे लोग क्यों डरते हैं मरने के, बोले भजन किया नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, मरने के बाद पता नहीं कौन सा नरक में कौन सा पेड़ पौधा जीवन में मिलेगा, इसलिए दुखी हो रहे हैं। इसलिए अगर हम जीवन में इसी जीवन में अगर सुख पाना चाहते हैं उसको बाद में जन्म जन्मांतर के लिए अगर ठाकुर जी के चरण में पास चाहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने सबसे सरल उपाय बताया, कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल भगवान की नाम को जप कर, ठीक है ना। देखो आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने, सुने हो चैतन्य महाप्रभु का नाम, कहते कलयुग में राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक रूप आए। बोले एक दिन महाप्रभु बहुत अच्छी शिक्षा दी, एक दिन भक्त लोग महाप्रभु को निमंत्रण दे रहे थे, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपकी भोजन है, तो महाप्रभु बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ, बोले प्रभु आप फिर किसको घर में भोजन करते हो, तो महाप्रभु बोले जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करूंगा। आज से 550 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा होगा, उस समय स्वर्ण मुद्रा चलता था, बोले जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा उसको घर में भोजन करेंगे। बोले प्रभु हमारे घर में 1,000 रुपया भी नहीं, 1,000 रुपया की बात छोड़ दो हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, आप कहते जो जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा उसको घर में भोजन करो, इसका मतलब हमारे घर में आप भोजन नहीं करो। देखो भगवान कितनी अच्छी बात है, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है,
बोले रोजाना जो ठाकुर जी की 1,00,000 नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की 1,00,000 जो नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। इसलिए की एक भजन है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, असली हीरे मोती क्या है, बोले भगवान का नाम ही असली हीरे मोती है, कहते इसको जिन जिन ने इस मोती लूटे कर जगत में मालामाल हो गई, बोले कौन कौन मालामाल हो गई, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम देखो, हनुमान जी का नाम देखो, मीरा जी का नाम देखो, चैतन्य महाप्रभु का नाम देखो, हमारे जो संत सड़ गोस्वामी हुए उनका नाम देखो, प्रभुपाद का नाम देखो, जगत में जय जयकार हो रहा है, जगत में पूजा पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अगर जगत में सबसे बड़े कोई बनना चाहते हैं, अगर कोई चाहते जगत में चिरकाल के लिए हमारी नाम रहे, जगत में सबसे बड़े बने, कहते भगवान की भक्त बनकर एक बार बन जाओ, भगवान की भक्त बनकर के दिखा दो, हीरो हीरोइन नहीं, बॉलीवुड में हीरो हीरोइन रूप में नहीं, जो लोग 20 साल पहले हीरो हीरोइन थे उनका नाम जगत में कोई ले रहे क्या? कोई नहीं ले रहे। हनुमान को देखो करोड़ साल पहले आए अभी भी नाम है, ध्रुव प्रहलाद को देखो कब आए सत्य युग में अभी भी इनका नाम है। इसलिए महाप्रभु कहते जो लखपति बनेगा उसको धर्म भजन करेंगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम सब सुने होंगे, सुने अमिताभ बच्चन का नाम? कुछ दिन पहले आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं? कौन बनेगा करोड़पति? यहाँ महाप्रभु कहते कौन बनेगा लखपति। इसलिए आप लोग देख लो लखपति कैसे बन रहे, जैसे ये माला है, ये माला में जब ये माला हम जब करते ना ये अंगुल को उसमें नहीं लगाते, क्यों? ये गंदा सबसे पहले ये निकलता, हम कहते हैं तुम देख ले ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए अंगुल को हम बाहर निकाल करते हैं, और ये बीच वाले अंगुल को बर रख करके जैसे हरे कृष्ण, आप सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल कर उसमें एक मत सरकाते हैं, फिर दो बार बोल करके फिर दो मत सरकाते हैं, करते करते जब यहाँ खत्म हो जाए इसको हम पार नहीं करते, क्यों? ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है, उसको हम पार नहीं करके इसको फिर घुमा करके दो बार बार करते हैं, देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब एक बार किया वो 16 बार किया, एक बार में 16 बार, एक गुमती 107 गुमती, अगर उसको 16 राउंड कर लिया कहते इसमें 25,000 हो जाता है, अगर उसमें 64 माला कर लिया 1,00,000, ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी,
कत दीन दीन भरत सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1 लाख किया ना कल आपको 1.25 लाख मिलेगी और 4 दिन में 2 लाख। साधारण बैंक में ठीक ठीक करो 8 साल में 10 साल में कहीं डबल, इसमें 4 दिन में डबल। और ये ऐसे का धन है अगर पिता कमाएगा ना बच्चे नहीं ले सकते, बच्चे कमाएगा तो पिता नहीं ले सकते, पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकता। जो कमाएगा इसी जीवन में आप ही इसके मालिक बनोगे, अगले जीवन में ब्याज समेत आपको मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा। ये भगवान खुद कह रही है बात। और देखना अंतिम समय में भारत में तो यही बोलते बोलते नहीं जाते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गते सब कोई बाजू का, यही तो बोलते हैं ना बेटा। जितने प्रभु का नाम लिया वही जा रहे हैं, सब झूठा सुई धागा भी साथ में नहीं जा रहे। इसलिए जीवन रहते रहते ये बात किसको सुनाते हैं, वो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति होता है उसको सुनाते हैं, बोले जितने तुमने प्रभु का नाम लिया वही जा रहे हैं और कुछ तेरे साथ में नहीं जा रहे। भैया मरने का बाद सुना करें कि आलम तो मर गया, अभी जिंदा रहते रहते हमको भगवान की नाम हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारी जीवन हमारी धन्य होगा। ठीक है, आज ये प्रोग्राम को किसने किसने रखा है, प्रोग्राम को किसने किसने रखा है बोलो, किसने क्या नाम प्रभु जी की, संजीव, संजीव प्रभु। हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम जो सत्संग का प्रोग्राम रखवाया आप लोग बड़े भाग्यवान। ये शंकर जी स्वयं कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा, हे पार्वती जीवन में सत्संग बड़ा कठिन से मिलता है, बोले निमि सद्दंड भर एको बल। ये शंकर कह रहे पार्वती, अगर जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्यात तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। अगर एक और भागवत में कहते हैं तुलया लवे नापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्या नाम किमुतासिष्य। कि कौन कह रहे, भगवान खुद कह रहे हैं। जब पृथु महाराज जी घर में चतुसन आए, ठाकुर जी सत्संग की महिमा ठाकुर जी कह रहे हैं, कितने बड़ी बात कहते हैं सुनो, ठाकुर जी कह रहे हैं, कहते अगर एक लव जीवन में साधु संग हो जाए, बोले एक लव कितना, बोले 1 सेकंड को 11 भाग करो, 1 सेकंड इसको 11 भाग करो, उसका जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर जीवन में साधु संग मिल जाए, भगवान कहते ना स्वर्ग ना अपुनर भव, ये स्वर्ग से लेकर के जो आनंद है, स्वर्ग मोह जन तप सत्य और उसके ऊपर में ब्रह्म लोग है मुक्ति लोग तक जो आनंद भी इसकी एक कण की बराबर नहीं कर सकते हैं, इतनी साधु संग की महिमा। इसलिए बोले बिनु संत संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु कुछ न हो। इसलिए जब तक ठाकुर का कृपा नहीं हो तब तक जीवन में हमें साधु संग नहीं मिलता। इसलिए जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखवाया, इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी से आप सबके ऊपर में ठाकुर का कृपा हो। इसलिए आप लोग जोरदार ताली हो जाए, आप लोग ने जो सत्संग यहाँ पर करते हैं, इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे बीच बीच में यहाँ आने के लिए। इसलिए जब हम आएंगे फिर आप लोग फिर बुलाना, हम कोशिश करेंगे अच्छे तरह से यहाँ पर बहुत बढ़िया रूप में जैसे सत्संग हो, सब जीव की सत्संग के लाभ सबको प्राप्त हो। इसलिए हनुमान का नाम जब विभीषण से साक्षात्कार हुए, जब विभीषण को पता चला हनुमान राम की एकांत भक्त है, विभीषण ये बात को कहते हैं, बोले आज मैं भा भरोसा हनुमंता बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता, जो रघुबीर मैं अनुग्रह किनी तो मई दरस है। विभीषण कह रहे हैं लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु का कोई विशेष कृपा हो गया, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था जहाँ पर चारी तरफ में राक्षस बैठे हुए चारी तरफ में उसको बीच में रहता हूँ, इसको बीच में भगवान की सबसे दर्शन, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता है, लगता है आज मेरे ऊपर प्रभु का कोई कृपा, लगता है भगवान हमें जल्दी जल्दी मिलने वाले, सचमुच से विभीषण को राम राम मिल गई। इसलिए भागवत कहता है भव अपवर्ग भ्रमें जदा जनस्य तहिं अच्युत सत्समागम। जीवन में साधु संग कब मिलता है, कि संसार का सब दुख जब खत्म हो गया हमको और ये संसार में भटकना नहीं, ये जन्म मृत्यु दुख कष्ट भोगना नहीं, बोले तहिर अच्युत सत्समागम,
तभी जीवन में साधुओं का दर्शन मिलता है, तभी सत्संग मिलता है। और सत्संग हो गया तो भगवान के चरण में प्रेम, और प्रेम हो गया तो ठाकुर ही मिल गए। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोग यहाँ पर सत्संग रखवाया और थोड़ी समय के लिए रखवाया, लेकिन इतने सारे माइक और क्या क्या आप लोगों ने भी खर्चा, बहुत पैसा खर्चा आप लोगों ने किए हो, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है। आप लोगों ने जो किया, प्रभु जी अभी एक दो भजन गाएंगे और हमारे कृष्णदास प्रभु थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, कथा का विश्राम करें, ठीक है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए शिवा की बिहारी लाल की जय, बोलिए शिवा रानी की जय। मोर मुकुट कटिका छिनी गल गए जंती मां, यह बारिक मोमन बसो सदा सत्संग कथा प्रवचन सुने। जैसे हम भोजन के साथ में और पापड़ सलाद इत्यादि लेते हैं ना, तो ये कीर्तन होता है ना, ये अचार पापड़ का ही काम करता है। कथा सुनी आपने तो ऊपर से फिर आपको चूरन चटनी भी चाहिए ना, तो इसलिए मस्ती में झूम के दौर आप उठा के ताली सेवा करते हो बोले। We'll be right back.
तस्वीर तेरी मेरी है रवे तस्वीर तेरी हम से बदल गई है हम से बदल गई है तस्वीर मेरी जब ठाकुर जी के नाम की मस्ती आती है ना तो व्यक्ति अपनी सुध-बुध भूल जाता है। इस अवस्था में वो ये भी नहीं मुझे कहाँ जाना गाने जाना सब मस्ती में भूल जाते हैं। मस्ती ऐसी होती है लेकिन आप लोगों को मस्ती अभी आई नहीं है इसीलिए आप बैठे हो। अगर ठाकुर जी के नाम की मस्ती आप लोगों पर चढ़ती तो आप लोग कैसे बैठते नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर भैया किस किस के ऊपर ठाकुर जी के नाम की मस्ती चढ़ रही है। ये दुनिया पागलखाना है यह पागल आते जाते हैं। ब्रज के एक संत हैं बड़ा सुंदर कहा है ये दुनिया पागलखाना है यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले वो पागल बन के जाते हैं। कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का कोई पागल बेटी नारी का कोई पागल पढ़ाई वर्दी का लेकर भैया सब पागल है। जाकी जाती लगी लगन वो तो भाई में मगन लेकिन ये सब झूठे पागल है। सच्चा पागल कौन है? लाइट वाला भी पागल है। हो गया भैया हो गया। कोई पागल है धन दौलत
पागल बेटे नारी का सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का। भाइयों जो बाके बिहारी का पागल है एक बार खड़े होकर के दिखाएंगे, ऐसे नहीं बैठे बैठे बात नहीं बनेगी, एक बार खड़े हो जाइए जो बाके बिहारी के पागल है। नाचने के लिए खड़ा किया है, जिनको नाचना नहीं आता उनको नाचना मैं बता देता हूँ। आप भी सोचे किसी ब्रजवासी से पाला पड़ा है, आप वहाँ बैठिए, आपकी जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहीं बिराजी बस। जिनको नाचना नहीं आता है वो अपना एक हाथ सर पर रखेंगे, एक हाथ कमर पर, बस बस हो ना झरना लग जाए।
सभी श्री गांगे हनुमान की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। परम सौभाग्य का दिन है कि यहाँ पर हरि कथा कीर्तन का आयोजन हुआ है। भगवान ने स्वयं ही बताया नारद जी को, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ पर रहते हैं? भगवान ने कहा, देखो मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो फिर योगी लोग आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ पर रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण लीला महिमा का कीर्तन करते हैं, जहाँ पर हरि कथा होती है, वहाँ पर मैं साक्षात रूप में विराजमान रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी का निवास है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे भागवत में भी हैं, शास्त्र में, पुराणों में, सब जगह इस प्रकार से प्रमाण मिलते हैं। श्रील महाराज जी ने अभी बताया हरि नाम की महिमा और साधु संघ की महिमा। इसी में, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, एक थोड़ा सा कथा सुना करके फिर मैं समाप्त करूंगा। सभी लोगों ने श्री दशरथ महाराज की कथा सुनी होगी। श्री दशरथ महाराज जी जब राजा थे, उनको शब्द वेदी बाण का ज्ञान था। सभी लोगों ने यह सुना होगा। एक समय गए हुए थे वन में शिकार करने के लिए। शब्द वेदी बाण का उनको ज्ञान था। उनको जल में ध्वनि सुनाई पड़ी, ऐसा लगा कि कोई हाथी है। उन्होंने शब्द वेदी बाण मार दिया। जब बाण मारा तो श्रवण कुमार थे वो अंधक मुनि के पुत्र, और वो चिल्लाने लगे। जब वहां दशरथ महाराज जी ने जाकर के देखा तो उनको संभालने का प्रयास किया, किंतु श्रवण कुमार की अवस्था तो बड़ी खराब हो चुकी। उन्होंने कहा, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, किंतु मेरे माता पिता हैं वो अंधे हैं, इसलिए आप उनको पानी पिला देना, क्योंकि मैं उनके लिए पानी लेने के लिए ही आया। तब दशरथ महाराज जी फिर उनके माता पिता के पास में गए पानी लेकर के। उन्होंने पूछा, बेटा आ गए? तो दशरथ महाराज जी तो कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि श्रवण कुमार की तो मृत्यु हो गई। अभी सोच रहे दशरथ महाराज, क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आता। इतनी देर में जो मुनि थे उनको समझ में आ गया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बताओ, नहीं मैं विश्वास दे दूँ। दशरथ महाराज जी घबरा गए। उन्होंने पूरी बात बता दी। इतना सुनते ही तो उनकी जो माता थी, उन्होंने वियोग में प्राण त्याग दिया। फिर अंत में जो मुनि थे, उन्होंने दशरथ महाराज जी को शाप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं पितृ वियोग में मर रहा हूँ, प्राण त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग करो। दशरथ महाराज जी ने कहा कि मेरे तो पुत्र ही नहीं है, संतान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे संतान भी होगी, पुत्र वियोग भी होगा और तुम्हारी होगी उसी प्रकार। अब ये जो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, तो उसके लिए श्री दशरथ महाराज जी प्रायश्चित स्वरूप सोचने लगे, क्या करूं, गुरु जी से उपाय पूछता हूँ। गुरु जी के आश्रम में गए, श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम। वहां पर जाकर के पूछा तो देखा कि वशिष्ठ ऋषि तो कहीं बाहर गए किसी काम से, उनके पुत्र हैं। उन्होंने कहा, चलो गुरु पुत्र हैं, ये भी उनके समान ही शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं,
ये प्रायश्चित बता देंगे। तो उन्होंने गुरु पुत्र से पूछा कि मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो गुरु पुत्र ने बताया कि आप 3 बार राम का नाम लें, यही प्रायश्चित। तो श्री दशरथ महाराज जी ने 3 बार राम का नाम लिया और प्रायश्चित कर लिया। उसके बाद वो आश्रम से जब लौट करके आ रहे थे तो मार्ग में उनको वशिष्ठ ऋषि मिल गए। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को गुरु को पूरी बात बताई। तो वशिष्ठ मुनि क्रोध में अपने आश्रम में आए और अपने पुत्र को डांट लगाते हुए कहने लगे, अरे तुमको हरि नाम की महिमा पता नहीं है? तुमने जो महाराज हैं दशरथ महाराज, उनको 3 बार राम का नाम लेने के लिए क्यों बोला ये प्रायश्चित? तुम्हारी हरि नाम में श्रद्धा नहीं है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चांडाल हो जाओ। अरे भगवान का तो एक नाम ही सारे पापों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जैसा हम लोग अजामिल प्रसंग में अभी महाराज जी बोल रहे थे, अजामिल ने जब पहली बार नाम लिया था, नारायण पुकारा था अपने पुत्र को, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए। म्रिय माणो हरे नाम ग्रणन पुत्रोपचारिताम अजामिलो अगाधम किम पुनः श्रद्धया गणन। अजामिल ने मरने के समय वो भी, जैसा महाराज जी ने बताया अभी कि कैसी अवस्था थी उसकी, कोई पवित्र अवस्था नहीं थी। मरने के समय यमदूत सामने खड़े हुए, भय के मारे कांप रहा है, पूरा तमोगुण है। भय क्या है? तमोगुण है। और सब प्रकार से शारीरिक रूप से भी गंदा है। इस अवस्था में भी उसने अपने पुत्र के इंगित करते हुए हरि नाम लिया, उसी से उसकी यमदूतों से रक्षा हो गई। फिर किम पुनः श्रद्धया गणन, जो श्रद्धा पूर्वक उस नाम में श्रद्धा करते हुए कि ये नाम भगवान का साक्षात भगवान का स्वरूप ही है वो लेता है, तो उसकी क्या महिमा है? तो तुमने 3 बार क्यों बताया? और फिर वहां पर वशिष्ठ मुनि ने बताया कि देखो जो 1000 जो विष्णु नाम है वो एक राम नाम के बराबर होता है। श्री शिव जी ये बात कह रहे हैं पद्म पुराण में, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम नाम वितुल्यम राम नाम वरान। कि हे पार्वती देवी, जो 1000 विष्णु का नाम लेता है और एक बार राम का नाम ले लिया तो वो बराबर। फिर एक ब्रह्मांड पुराण में बताया, हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं इसके लिए कारण बता दिया, क्योंकि बहुत से लोग ओम नमो नारायण आय ओम नमो भगवते वासुदेव, जिसका जो मन आता है वो उस प्रकार से जप। कलयुग में ये सब शास्त्र में पहले से ही लिखा है कि सारे मनोधर्म से चलेंगे, शास्त्र से कोई नहीं चलेगा। जो मन में आता है, जो अच्छा लगता है, कोई गायत्री जप कर रहा है, कोई गायत्री का रिकॉर्डिंग चला दिया, ये जो मंत्र होते हैं ये तो बोलने के साथ ही साथ उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। अगर गुरु जी ने आपको मंत्र दिया गायत्री मंत्र रिकॉर्डिंग में चल रहा है, इसीलिए तो कुछ होता नहीं है। इसलिए भगवान ने अभी जो महाराज जी बता रहे थे कि निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने क्या किया कि कलयुग में कुछ भी नहीं होगा, शुद्धि अशुद्धि पवित्रता अपवित्रता देश घड़ी काल पात्र कोई विचार ही नहीं होगा। मंत्रों में बड़े विचार होते हैं, अगर अशुद्धि अपवित्र अवस्था में जपा जाए विपरीत फल हो जाएगा, अगर त्रुटि हो जाए तो विपरीत फल हो जाएगा। तो भगवान ने देखा कि कलयुग का जीव करेगा क्या, इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति को नाम में डाल दिया। तो फिर अब नाम बहुत सारे, नरसिंह राम कृष्ण और इतने सारे नाम, कौन सा जप? तो फिर ब्रह्मांड पुराण में बता रहे हैं, सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरावत्या तु यत फलम एकस्य तु एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकम तत् प्रयच्छति। कि 3 बार जो विष्णु का नाम 1000 बार लिया जाए, 3 बार यानी 3000 जो विष्णु का नाम है वो एक कृष्ण नाम के बराबर होता है। तो इसलिए 1000 विष्णु नाम एक राम नाम के बराबर, 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर। फिर एक ग्रंथ है क्रम दीपिका, उसमें श्री चंद्र देव से भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मम नाम शतैनेव राधा नाम सदुत्तमम यह स्मरे तो सदा राधा न जाने तस्य किम फलम। कि मेरा जो 100 नाम लेता है वो 100 नाम के बराबर एक राधा जी का नाम, और जो सब समय राधा जी का नाम लेता उसका क्या फल है वो मैं भी नहीं जानता। इसलिए राधा जी का नाम 100 कृष्ण के 100 नाम के बराबर हो गया। अब सब सर्वोत्तम जो नाम हुआ वो राधा जी का हुआ, तो फिर हम लोग राधे राधे क्यों नहीं जपते? ब्रज में जाओगे तो राधे राधे ही जपते, किंतु ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि देखो राधा जी को क्या प्रिय है ये भी तो देखना पड़ेगा। राधा जी को कृष्ण का नाम प्रिय है और कृष्ण को राधा जी का नाम प्रिय है,
इसलिए यहाँ पर हरे कृष्ण में क्या है, हरे मतलब राधा जी और कृष्ण मतलब कृष्ण, इसलिए ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बहुत से लोग यहाँ पर सोचते हैं कि राम का मतलब वो अयोध्या वाले राम जी हैं, सीता राम, कहते ये संभव नहीं है। जब राधा जी के साथ में राधिका रमण राम होते हैं, सीता राम वाले राम नहीं होते। कभी सुना राधा जी के साथ में वो राम, ऐसा नहीं होता। और एक जो मंत्र होता है वो उसका एक ही इष्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक जैसे खिचड़ी बनाते हैं उसमें सब कुछ मिला दिया, ऐसे खिचड़ी मंत्र नहीं होता है कि एक मंत्र में सारे देवी देवता प्रकट हो जाए। तो एक अगर ये जो हरे है राधा जी हैं, तो जो दूसरा जो राम है वो है श्री राधिका रमण राम, श्री राधाया रमय नित्यम राम इति अभिधीयते, अर्थात जो राधा जी के साथ में रमण करते हैं वो राधिका रमण राम, उनको भी राम कहते हैं। तो इसलिए जो ये महामंत्र है ये हरे कृष्ण जो है वो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप का मंत्र है। और जब बताया कि ये जो नाम है ये सर्वोत्तम है, तो नीचे वाले तो नाम है वो अपने आप इसमें आ गए, वो सारा का सारा फल इसमें आ गया। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज जी को विश्वामित्र ऋषि ने, ये वशिष्ठ मुनि ने ये बताया कि देखो भगवान के नाम की कितनी महिमा, एक नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और बता देता हूँ बात, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति कैसी है। एक समय चंडीगढ़ में ऐसे ही था एक व्यक्ति, वो मठ में आते थे लेकिन उनको अजामिल प्रसंग पर विश्वास नहीं होता। वो कहते थे महाराज जी ये बताइए कि ऐसा कैसे संभव है कि एक नाम लिया और उसके लिए विष्णु दूत आ गए, भगवान ने विष्णु दूत भेज दिए। तो वहां पर श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने एक समय देखा कि वो जो व्यक्ति था जिसको विश्वास नहीं था भगवान के नाम में, उसके बेटे का किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो वो व्यक्ति खुद बंदूक, उसके घर में बंदूक थी, वो बंदूक लेकर के उसको मारने के लिए गया। महाराज जी छत से मठ के छत से देख रहे। अगले दिन जब वो मठ में आया तो उनसे पूछा कि क्या हो गया था। उसने सारी बात बताई कि मेरे पुत्र का झगड़ा हो गया और अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं बंदूक लेकर गया। तो महाराज जी ने बताया देखो तुम्हारे पुत्र का तुम्हारे साथ में शरीर का संबंध है, अगला जब उसका शरीर छूट गया या तुम्हारा शरीर छूट गया संबंध खत्म हो गया, उसके लिए तो तुम बंदूक लेकर के खुद चले गए। तो भगवान का तो जीवात्माओं के साथ में आत्मा का संबंध है, यानी हमारा आत्मा भी भगवान का अंश है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी भगवान का है, भगवान की माया द्वारा बना, और ये शरीर है वो भी भगवान ने दिया। ये पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर आत्मा सबका संबंध भगवान के साथ में है। तो उन्होंने दूत भेज दिए तो कौन सी बड़ी बात हुई, तुम तो खुद बंदूक लेकर के पहुंच गए बेटे के लिए, इसलिए ये कोई साधारण बातें नहीं है। और उन्होंने फिर एक बात और भी बताई कि ये तो अजामिल था, उसने श्रद्धा पूर्वक नाम नहीं लिया था इसलिए भगवान ने दूत भेजे, लेकिन अगर भक्त नहीं, ये बात आई है जब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि ने मारने के लिए कृत्या प्रकट की, तब उस समय सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि को दौड़ा लिया, उनके पीछे अग्नि की तरह तेज जलते हुए सुदर्शन लगे हुए। दुर्वासा ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने जैसे ही पता चला कि अरे ये तो भक्त के चरणों में अपराध करके आया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, भाई यहाँ से कहीं और जाओ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा, इसलिए उन्होंने आश्रय नहीं दिया। फिर वो शिव जी के पास में गए, शिव जी ने कहा कि देखो ये सुदर्शन तो कुछ भी नहीं है, भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं रक्षा करते हैं, शुद्ध भक्तों के लिए, प्रहलाद के लिए किया कि नहीं। हिरण्यकश्यपु बोला ये खंभा है, तुम्हें भगवान कहाँ कहाँ दिखाई देते, कहते मुझे सर्वत्र दिखाई देते। तो उन्होंने कहा कि ये खंभा है सामने, इसमें दिखाई देते हैं, तो प्रहलाद ने कहा हाँ मुझे इसमें भी दिखाई देते हैं। और बस उसने गदा लेकर के वो खंभे के ऊपर दौड़ा प्रहार करने के लिए, उसी समय वो खंभा विस्फोट के साथ फट गया। कितना सुंदर भागवत में वर्णन किया, सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मा अदृश्य अति अद्भुत उद्वहन स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम। देखो भगवान अपने भक्तों के लिए शस्त्र अस्त्र नहीं भेजते, उनके लिए सुदर्शन नहीं भेजा, सुदर्शन इत्यादि तो छोटे छोटे भक्तों के लिए भी भेज देते हैं भगवान, और जो दूतों को भेजा तो अजामिल के लिए भी भेज दिया, लेकिन जो उनके इतने प्रिय भक्त हैं उनके लिए खंभे से भगवान स्वतः ही प्रकट हो गए स्वयं। और क्या बोल रहे हैं, सत्यम विधातु निजभृत भक्त, अपना जो दास है प्रहलाद उसने बोल दिया हाँ इस खंभे में भी, उनकी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उसी समय खंभे से फोड़ करके प्रकट हो गए और इस प्रकार का रूप दिखा दिया।
स्तंभे सबायाम न मृगम न मानुषम, जो न तो मनुष्य था और न पशु था, दोनों का मिला जुला रूप था। तो भगवान के नामों की इतनी महिमा है, और ये नाम की महिमा झूठ नहीं है। ये इस प्रकार से जो दशरथ महाराज जी का उदाहरण बताया, अजामिल का उदाहरण बताया, और एक जो विशेष बात महाराज जी ने बताई, जो साधु संघ की महिमा, जो साधु संघ की महिमा हम लोग सुनी ना भी, ये महाराज जी ने बहुत कम बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस पर विश्वास ही नहीं होगा। देखो उससे भी ज्यादा महिमा बताता हूँ। जब गंगा जी अवतरण हो रहा था, सभी लोग जाकर के पढ़ सकते हैं भागवत में, जाके नवम स्कंद में, भागवत के नवम स्कंद में गंगा जी के अवतरण का प्रसंग है, जिसमें भागीरथ महाराज ने जब तपस्या की तो गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने प्रकट करके कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि आप पृथ्वी पर अवतरण कीजिए, इससे जो लोग हैं वो आपके जल में स्नान करेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो गंगा जी ने पूछा, ठीक है, ये सारे लोग पाप धो करके मेरे अंदर चले जाएंगे तो मेरे पाप कौन धोएगा फिर। तब उस समय भगीरथ महाराज कह रहे हैं, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्म निष्ठा लोक पावना हरंत अघम ते अंग संगात ते स्वास्ते ही अग्नि धरी। कि जो साधु लोग हैं, जो हृदय में हरि को धारण करके रहते सब समय, जब वो आपके जल का स्पर्श करेंगे तो आपके भी पापों को हर लेंगे। कभी सोचा ऐसी साधुओं की महिमा है कि गंगा जी तो सबको, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गंगा जी हैं, गंगा जी को भी पवित्र करने वाले साधु हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भागवत सुन रहे, और भागवत ही सर्वोत्तम पुराण है, इसलिए साधुओं की इतनी महिमा, इससे भी बहुत अधिक महिमा है। किंतु अभी समय का अभाव है, इसके साथ ही मैं यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी बड़ी कृपा करके, महाराज जी देखो 15 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर दिया, तब से मठवास कर रहे हैं, 40 साल हो गया उनको। वैसे कथा कीर्तन करते करते सारे विश्व में हरि नाम का, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, कृपा करके यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर भागवत आयोजन हो रहा है, तो आप लोग भी समय निकाल करके आइए। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण की मधुर लीलाएं, कल गिरिराज जी का धारण होगा, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो जो हरि नाम की महिमा है, साधु संघ की महिमा है, भक्तों की महिमा है और भक्ति की महिमा है, वो तब आप लोगों को ठीक ठीक पता चलेगी, क्योंकि इतने कम समय में हम क्या क्या बता सकते हैं। समय भी बहुत अधिक हो गया है, लोगों को घर भी जाना होगा, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरि नाम कौन जप करेगा बोले तो, अभी इतना हरि नाम का महिमा सुने बाबा, सब भक्त ही भक्त। अब लोग एक एक माला देकर के जाऊंगा, ठीक है, एक एक माला देकर जाऊंगा, माला में जप करना, और मेरे को 5 मिनट दे दो। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता, ये कथा के बाद में फिर आपको पूछूंगा किसने याद किया, और जो बोल देगा ना उसको फिर इनाम दूंगा, इसलिए ध्यान देकर सुना। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, भगवान के नाम की क्या महिमा, ध्यान देकर सुना। बोले एक कोई राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी, कितना रानी, जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करते थे। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, वो देखने में बहुत ही सुंदरी थी, सब चाहते ना पत्नी मेरी सुंदरी हो, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाते थे वो रानी को बड़े सुंदर गहना कपड़ा लता पहना करके अपना रथ में बैठा लेते थे और दुनिया को दिखाया करते थे, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदरी है। अभी राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठा मीठा बोली बोलती थी, सब चाहते ना पत्नी बड़ी मीठा मीठा बोले, हैं मन को खुश रखे, वो बना बना करके बोली बोलती थी, इसलिए राजा जब महल में आते थे वो तीसरी नंबर रानी के पास में बैठ करके उसको मीठा मीठा बोली सुन करके खूब खुश होते थे, और मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को बोलते थे। अभी जो चौथी नंबर रानी थी, है तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाया, उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखे, कभी उसको पूछे नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल लिपस्टिक है कि नहीं, कभी उसको नहीं पूछते थे, वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा की अंतिम समय आया, मरने का समय आया, देखा मेरे 4 रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ मेरे साथ में कौन चलती है। अभी उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, बोले तुम मेरी साथ में चलोगी, बताओ तो बड़ी रानी कौन थी, अभी इतना जल्दी भूल गए हो, बड़ी रानी कौन थी,
राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जिसकी मन पसंद को चीज को दे देकर उसको खुश करते थे, ये थी सबसे बड़ी रानी। रानी को राजा पूछे, रानी तुम मेरे साथ में चलोगी? लेकिन सबसे धोखे देने वाले हुए, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तो जो मांगती थी वही वही चीज को मैं देकर खुश करता था तेरे को, भले ही मेरी चोरी झूठ बेईमानी क्यों नहीं करना पड़े, हम ला करके तेरे को देकर खुश करते थे, अंतिम समय में कहे तो मेरे साथ एक कदम भी नहीं चलोगे। बोले मैंने जो तेरे लिए किया, बोले तेरे कर्तव्य था, बोले तेरी, बोले कोई कर्तव्य नहीं। राजा तो बड़े दुखी हो गए। अभी दूसरी रानी से पूछे, दूसरी रानी कौन थी? बोलो सुनो, जो सुंदर थी। राजा जिसको बड़े सुंदर श्रृंगार करके रथ में बैठा करके और दुनिया को दिखाए करते थे, उससे पूछे तू चलोगी? बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैंने दूसरे से शादी करने के लिए तैयार किया। बोले दूसरे से शादी करोगे? बोले क्यों? बोले तू तो पहले ही दुनिया को दिखा करके रखा मैं कितने सुंदर, इसलिए जिसको पास में जाऊंगा वो मेरे को पसंद कर लेगा, मैं दूसरे से शादी कर लूंगा। राजा को प्यार लेकर नीचे जमीन घिस गई, क्या क्या ये शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी राजा तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, जिसकी बोली सुनकर खुश होता था, मन की बात बोलता था। बोले तू चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली, ज्यादा नहीं निकली। बोले चलोगी? लेकिन दरवाजा तक चलोगी? बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना कहते हैं। बोले ज्यादा बोलोगे तो चार ही कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चलूंगी। बोले भैया तू भी किसी काम की बेकार है। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? बोला भूल गए। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखा था, बेकार किसी काम की नहीं, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है क्रीम है कि नहीं, कभी उसको पूछा ही नहीं। राजा सोचा इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्योंकि जिसके लिए करोगे उसके लिए तो पूछ सकते हो, आज जिसके लिए करोगे नहीं उसके लिए क्या पूछोगे। राजा ने सोचा जब ये रानी एक बार पूछ करके देख लेगा। बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी? रानी बोले तेरे सर्व नहीं बदलेगा, तुम जब से मेरे को शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा मेरे को तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, है लोग खातिर से भी कभी पूछा, और मरते समय का तुम मेरे साथ में चलो? बोले देख राजा मैं तेरे को दिल से मैं प्रेम करती हूँ। अब देख लिया ना जिसको जो प्रेम करता था कहाँ तक गए, लेकिन मैं तेरे को दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, तेरी सुखी में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। राजा ने देखा भैया जिनके लिए जिंदगी भर प्रेम किया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए कुछ किया नहीं वही तैयार है। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी ये जीवन की कथा है, ये जीवन की सच्चाई है। अब ये चीज को आप समझ लो, अगर सचमुच से समझ गए ना, समझ आज से आपका काया बदल जाएगी, जीवन ही बदल जाएगा। हैं कहते सबसे बड़ी रानी कौन है? जिसको अभी हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिस समय जिस चीज की मांग करे, भले ही झूठ बेईमानी क्यों करना नहीं पड़ा उसको पूरी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में वो मेरे साथ नहीं देने वाले। कहते सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो? बोला किसको प्रेम करते हो? बोला किसको प्रेम करते जीवन में? कहते हम अपनी आप को जगत में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप कर रहे हैं, ये शरीर को प्रेम करते हैं। ये शरीर जिस समय जिस चीज की मांग करे, बोले हम जिम मत जाना, बोले जिम ले चलो, बोले चवनप्राश खाना चाहते बोले चवनप्राश खाओ, बोले ऐसे कपड़ा पहनना चाहते बोले खिलाओ, बोले गोलगप्पे खाना चाहते बोले चलो खिलाएंगे। अब देखना ये शरीर जिस समय जिस चीज की मांग करती है हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब शरीर छूटेगा ये शरीर साथ में जाएगा, जब अंतिम समय आएगा इस शरीर क्या जाएगा, इसलिए कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब ये शरीर से परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को हमने इतने बढ़िया है उसको हमने सजाया बजाया, ये शरीर अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी थी, जो कहती है दुनिया को दिखाता था, जो कहती है तुम शरीर छोड़ते ही मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले सबसे सुंदरी कौन है? हम कहते ना बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अब सब जानते हो, इसलिए रुपया सबसे सुंदरी है। रुपया रहेगा तो बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया घर मकान बनाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, हैं? इसलिए भले ही
अंतिम समय में श्मशान में कोई मर गया तभी उस समय भी बढ़िया गाड़ी में चलेगी, दिखाएगी देखो मेरे पास कितना बढ़िया गाड़ी है, हैं? इसको पूछा कि पैसा माने आपको पता होगा, इसलिए पैसा से पूछे भैया सबसे जो सुंदरी दुनिया को जिसको दिखाया करता था, बोले तू साथ में चलोगी, बोले चलोगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है, बच्चों का नजर कहाँ रहता है, पिताजी का कितना प्रॉपर्टी कहाँ पर, कितने एटीएम कार्ड में कितने पैसा, कितने दुकान मकान, उनका नजर वही रहती है। हमने तो अपना जीवन में देखा, एक पिताजी का शरीर छोड़ गए, जिसको कम हिस्सा मिला ना वो डंडा लेकर आ गया, मतलब पहले पिताजी का कॉपी को निकालो कितने पैसा कहाँ रखा हुआ है, किसको थोड़ा ज्यादा किसको कम मिल रहा था, बोले कोई हाथ देगा ना सर फोड़ दूंगा। इसलिए ये पैसा शरीर छोड़ते ही वो दूसरों के नाम पर वो ट्रांसफर हो जाती है, कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, मैं तो कहीं चली जाऊंगी। अभी तीसरे नंबर आए जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात करता था, बोले ये कौन, बोले परिवार वाले। पहला नंबर आई पत्नी की, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। पत्नी कहाँ तक चलती है, दरवाजा तक ही चलती है, उसका आगे नहीं चलती है, बोले केवल दरवाजा तक, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन साथ में नहीं चलूंगी। परिवार वालों से पूछा चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ, बोले शमशान तक, बोले फिर वही जला करके टाटा करके वापस चली आई, रब गए। हाँ अभी देखो काम चीज सुनो, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन वही अंतिम समय में आया काम, बोले जीवन में हम किसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखेंगे, भगवान भक्ति को, भगवान का नाम। अगर कोई बोले तो हरि नाम करो ना, बोले जिसका कोई काम धाम नहीं, वो जो माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे काम हैं, टीवी देखना, न्यूज पर पढ़ना, गप्पे मारना, हमारी बहुत सारी काम, हमारे पास में कोई समय नहीं प्रभु का भजन करने के लिए। लेकिन भैया जो कुछ बोल दो, लेकिन अंतिम समय आएगा तो जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, अंतिम समय में वही केवल तुम्हारी साथ में जाएगा, वही केवल काम में आएगा। इसलिए हमारे भारत में अंतिम समय में इसलिए बोलते हुए ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। जितने भगवान का नाम लिया वही साथ में जा रहा है, इसके सिवाय सब तुमने झूठे में जीवन बिताया। अगर तुमने हरि का नाम लिया तो तुम्हारी कोई गति तुम्हारी नहीं। इसलिए आप लोग बताओ तो कौन सा रानी को ज्यादा प्रेम करेंगे, आप लोग बताओ कौन सा नंबर रानी को ज्यादा प्रेम करेंगे, हाथ उठाओ। हाँ चौथे नंबर रानी को, आप लोगों ने सब समझ गए। इसलिए मतलब क्या है, आज से कितना कल कर सो आज करो और आज कर सो आप। इसलिए जितने जल्दी जल्दी हो भगवान की भजन में हमको लग जानी चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति में हमें लग जानी चाहिए। लेकिन भागवत में बताए देखो भगवान की जो नाम है ना, कलयुग का सबसे मीठा दवा भगवान का नाम है, सबसे मीठा दवा है। लेकिन दवा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन परहेज को साथ में अगर दवा लेंगे वो दवा जल्दी जल्दी काम करेगा। भागवत में चार परहेज बताया, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दूसरा नंबर कोई नस्ली वस्तु का मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा गुटखा भांग मदिरा नहीं लेनी चाहिए, तीसरा नंबर अवैध स्त्री संग नहीं करनी चाहिए, चौथा नंबर जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि, इसको अगर नियम से अगर इसको छोड़ करके हरिनाम करेंगे हरिनाम जल्दी जल्दी फल देगा, क्योंकि आप परहेज के साथ में प्रभु का नाम ले रहे हो, हैं? इसलिए इसको छोड़ कर करेगा जल्दी जल्दी भक्ति में प्रवेश होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना ये चीज को, मुझे लगता है आप लोग कुछ लेते नहीं होंगे, अगर थोड़ी बहुत कोई लेते होंगे तो कोशिश करना इसको छोड़ देने के लिए, गंदी चीज को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान की भजन करो और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या कलयुग में, और देखो आप लोगों के लिए जो बोल रहे थे माला जब करोगे ना, आप लोगों को एक नीम माला हम देकर जाएंगे, अभी तुलसी माला नहीं देंगे, तुलसी माला तभी देते हैं जब कोई पूरा के पूरा ये चार नियमों को पालन करेंगे, लेकिन उसको पहले हम एक नीम माला देते हैं, बोले इसमें ठाकुर का नाम जब करो सभी कर सकते हैं, इसलिए कोई नियम नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे ठाकुर का नाम जब करते हैं हृदय से अपने आप सारी गंदी चीज अपने आप चली जाती है,
जब चली जाती है फिर हम लोग उनको तुलसी माला देते हैं, तुलसी माला में गले में तुलसी कटती है और तुलसी माला जप करने के लिए तभी जाते हैं। इसलिए कौन कौन माला करके हाथ उठाओ, कौन कौन माला कर आप लोग तो करते हो, जो लोग जो नए लोग आए जो भी है जो नए लोग है वो माला लाए हो आप लोग यही रहते हैं प्रोग्राम यही रहते